Hello my lovely students, welcome back to the channel. So this is Khushi and now we are going to start with assignment 1.4 of chapter 1, okay? That is knowing our numbers. So let's start with the assignment. Our question 1 is MCQ. So let's read our first question, that is which of the following is not correct, okay? Means 3 options will be correct and 1 will be incorrect, okay? Which of the following is not correct, okay? So first one, 10 not equal to VV. Now VV is what? V means 5, yes? Now if 2 V are there, that means 10, yes? Agar 2 V likhe hai, toh V plus V means 10. But hum VV kabhi 10 nahi likhte. Why? Because humare paas 10 ka symbol kya hai? X hai. Toh ye correct likha hai inhone ki 10 VV ke equal nahi hai. Because 10 equal hota hai X ke. Yes, toh ye wrong hai. Matlab ye option is correct. Coming to our B option, that is what? 51 is equals to IL. Okay? 51 is equals to IL. So, the first one is correct. Yes. Our question was, which of the following is not correct? First option is correct. Coming to our second one, 51 is equals to L. So, L means 50. And here, question kya hai? 51 hai. So, agar 51 banana hai, to L ke aage I lagana hoga. Because I means 1. And agar I right side mein lagayenge, to wo plus hota hai. किसी भी नंबर को किसी भी लेटर को राइट साइड में लगाएंगे, प्लेस करेंगे राइट साइड में, दैट मींस प्लस. एंड अगर लेफ्ट साइड में लगाया, दैट मींस माइनस. तो हियर इन्होंने लगाना चाहिए था राइट साइड में, बिकॉज़ 51 बनाना है, बट इन्होंने लगाया कहां? लेफ्ट साइड में, दैट मींस 50 माइनस 1, तो वो 49 बन गया एंड हमारा आंसर रॉन्ग हो गया. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि इधर इक्वल टू लिखा है एंड ये इक्वल नहीं है. ओके, एक बार सी ऑप्शन भी देख लेते हैं. 5 नॉट इक्वल टू वी एक्स. नाउ एक्स कभी भी वी से माइनस नहीं होता, एक्स हमेशा एल और सी से माइनस होता है, ये हमने हमारे रूल्स में पढ़ा था. तो ये भी नॉट इक्वल है, मतलब ये भी करेक्ट लिखा है इन्होंने. यस, एंड ऑल ऑफ द अबव कैन नॉट बी देयर बिकॉज हमें आंसर मिल गया 51 इज इक्वल्स टू आई. कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, एक्स एल वी आई आई स्टैंड्स फॉर. ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है कि किस नंबर जितना इक्वल है. सो एल अभी मैंने बताया था क्या है, 50 होता है. यस, तो एल इज 50, एल के लेफ्ट साइड में एक्स है. तो अभी बताया था अगर लेफ्ट साइड में कोई नंबर प्लेस्ड है, मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है. तो 50, ये एल 50 था, एक्स 40, सॉरी एक्स हमारे पास 10 है. यस, एक्स 10 होता है, एल 50 होता है, तो लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है, इसलिए 50 माइनस 10 किया, हमें क्या मिला? 40 मिला. अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज अब इस 50 के राइट साइड में जाओ, राइट साइड में क्या है? वी है, दैट मींस 5 है. तो 40 प्लस 5 हो गया 45. अब इसके भी राइट साइड में चले जाओ, 46, 47, आई 11 होता है. तो हमें 50 माइनस 10 दैट इज 40, 40 प्लस 5 45 प्लस 46 प्लस प्लस वन दैट इज 47. सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी द डी पार्ट, दैट इज 47. ओके, सो आई होप दीज टू ऑप्शन, दीज टू क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन वन आर क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन टू, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय.